नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और बिहार में लगातार राजनीतिक ट्विस्ट होता जा रहा है। एक ट्विस्ट और हो गया है जिसकी संभावनाएं कल मुख्यमंत्री के जो बयान थे उसके बाद से शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव के सामने ही नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया और ये तीसरी बार उन्होंने कसम खाई है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। किसको याद नहीं है 2015 का वो मंजर जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़े थे और तेजस्वी यादव की पहली बार एंट्री हुई थी बिहार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायक बने थे। विधायक बनते ही सबसे पहले वो उप मुख्यमंत्री भी बने और कार्य शुरू हो गया। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार 2017 में जब पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार के पाला बदलने का कई कारण और तेजस्वी यादव टारगेट में होते हैं। वही तेजस्वी यादव एक बार फिर 5 साल के बाद नीतीश कुमार के साथ सरकार का हिस्सा हैं और जो कुछ भी 2015 में नज़र आ रहा था बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ हो रहा है। सिर्फ एक आदमी को छोड़ करके तेज प्रताप यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, काफ़ी रसूख उनका हुआ करता था, वो दबे दबे से नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी सब कुछ यथास्थिति है। और उससे पहले आपको याद होगा कि सदन में नीतीश कुमार ने बहुत ही मजबूती के साथ कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो उपेंद्र कुशवाहा है जिन्होंने नीतीश कुमार को कई बार एहसास दिला दिया। और जदयू के नेताओं का जो लगातार लंबे समय से नीतीश कुमार और पार्टी का झोला ढो रहे हैं, उन सभी लोगों की सोई हुई भावनाओं को जगा दिया। क्या जनता दल यूनाइटेड के भीतर, यह सवाल अब मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी पूछे जाने लगे हैं। जदयू के लोग खुद अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या जदयू में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले चले। इन सारी बातों को लेकर के अब, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब तो बंटवारे की बात कर दी है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब तेजस्वी यादव का नाम आया तब तब ब्रेक लगाया है। और यह सिंपैथी जदयू के लोगों के भीतर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए बलौती हो रही है। जैसे ही उन्होंने हक हिस्सा मांगा वैसे ही जदयू में खलबली मच गई। और सबसे बड़ी खलबली तो मची कि जब जब हमने पहले भी बताया आपको कि तेजस्वी यादव का नाम नीतीश कुमार के जुबान पर आया तब तब उपेंद्र कुशवाहा ने उसका विरोध किया। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई कि पार्टी का विलय करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, हमने आपको कई बार बताया है कि इसके लिए लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को अधिकृत भी कर दिया था कि यदि विलय होता है तो मुझे कोई इनकार नहीं, तेजस्वी यादव उसके लिए अधिकृत हैं, पार्टी का नाम और सिंबल वो बदल सकते हैं। लेकिन इस बात को जैसे ही हवा मिली उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर विराम लगाया और नीतीश कुमार को मजबूरन ये कहना पड़ा कि कोई विलय नहीं होने जा रहा है। इसके बाद दूसरे स्टेज में तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तेजस्वी यादव के इस बने बनाए खेल में जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद से तो और कोहराम मच गया। और कहीं ना कहीं एक बात सामने आ गई कि तेजस्वी यादव के विरुद्ध उपेंद्र कुशवाहा फिर से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 2025 किसने देखा है, पहले 2024 की बात कर ली जाए। हमें सबसे पहले 2024 में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर हम फोकस करें। और उनके इस बात को लेकर के जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं अशोक चौधरी, जो झारखंड के प्रभारी भी हैं, झारखंड में उन्होंने जब बात कही तो ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों भरा राह होगा और इस रास्ता को कहीं ना कहीं मुश्किल बनाने में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका थी। 2020 में भी आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ही वो शख्स थे जो सबसे पहले छोड़ करके तेजस्वी यादव को बाहर हुए थे। तेजस्वी यादव को बाहर होने के पीछे उनका कहना था कि तेजस्वी यादव एरोगेंसी के साथ और महागठबंधन नहीं बल्कि अपनी पार्टी का गठबंधन चला रहे हैं और किसी के लिए कोई उनके मन में प्यार वैल्यू सम्मान नहीं है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा ये मान भी गए थे, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी मना चुके थे, तीनों की मीटिंग होती थी, कि तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दी जाए लेकिन बाकी का जो क्रीम है वो अपने हिस्से में भी रखा जाए जिससे कि पार्टी को खड़ा किया जा सके।
लेकिन ये नहीं हो पाया और 2020 से लेकर के अब तक हमेशा जब जब तेजस्वी यादव एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उनको दो स्टेप पीछे ढकेल देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहते हैं या फिर सिर्फ उनके एजेंडा में ये बात है, इस पर अमल नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही, भले ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन तेजस्वी यादव का रास्ता जरूर रोक दिया है और उनका खेला भंडोल कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं और बिहार की राजनीति की भीतरिया बात आपको बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।